अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में पंजाब, उत्तराखंड, इंडोनेशिया, हिमाचल के कलाकारों ने लोक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। तीसरी सांस्कृतिक संध्या में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को कुल्लूवी टोपी, शॉल, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद CPS महोदय। आज के मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करने के लिए युवा। तीसरी सांस्कृतिक संध्या में स्टार कलाकार कोलकाता के ट्रैप बैंड के कलाकारों ने एक घंटे तक खूबसूरत प्रस्तुति दी। लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में दर्शकों ने ट्रैप बैंड की प्रस्तुति का लुत्फ उठाया। ट्रैप बैंड के कलाकारों ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में पहली बार परफॉर्म करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जगह जगह पर कई मेलों में उन्होंने परफॉर्म किया है और कुल्लू दशहरा में कुल्लू की ऑडियंस बहुत ही सुरीली है। और उन्होंने कहा कि हिमाचल की खूबसूरती और यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। हम लोग का नाम है दी रेडिकल आईडी प्रोजेक्ट ट्रैप। जो आए हुए हैं यहाँ के सभी इतने अच्छे, इतना प्यार मिला। हर बार जब भी हम हिमाचल आते हैं बहुत ढेर सारा प्यार मिलता है और इतना खुशी का त्योहार है और सारे मिलके साथ में सेलिब्रेट की, यही बड़ी बात है। और सुबह को जलेबी मार्केट से जलेबी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत अच्छा था जलेबी। और दशहरा का सबको पूरी तरीके से 200% अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी, अमेजिंग एवरीथिंग। ये एक फीलिंग अभी हुआ कि अभी जब परफॉर्म कर रहे थे तो अपने हेडफोन से अंदर से ऑडियंस का आवाज आ गई, या पहली बार हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। के ऑडियंस बहुत ही म्यूजिकल है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही प्योर है, इधर का वेदर भी बहुत अच्छा है। खाना तो छोड़ ही दीजिए, सारे सबको पता है कितनी अच्छी है, तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को जब भी हम हिमाचल आते हैं। देखो तो 10 साल हो गया, इस अगस्त में 10 साल हुआ, आगे भी तो 100 साल जाना है। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद चाहिए और क्या।